कौन कौन है क्लास में? हाँ किशन, रेखा, मोटी, पतली, चिपकली, चेतन, गौरव, सोनू, कुणाल, विवेक, शौर्य। सारे आ गए? ऑल नालायक एंड नालायकास। ओके, कंचना भी आ गई। एग्जाम्स होंगे, ऑफलाइन होंगे। अप्रैल में अप्रैल में तो आज हमको स्टार्ट करना है पेज नंबर 159 से। पेज नंबर 159, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से स्टार्ट करना है आज हमको, ठीक है ना? ईयरफोन लगा ले तो। ईयरफोन लगा ले, वैसे चिल्ला चिल्ला के मेरी आवाज भेड़ जैसे हो गई। ईयरफोन लगा ले, क्लियर आ जाएगा। हाँ तो फिर तेरे ईयरफोन में प्रॉब्लम है, देख मोटी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटी सुनाई दे रहा है ना तेरे को साफ साफ? देख, यस सर, गुड। उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरे कान में प्रॉब्लम है, तेरे कानपुर में। एक्सक्यूज यस, मी सर, सर ये मोटी कौन बच्ची का पालीवाल को कहता हूँ मैं। सर? इस तरह से मत बोलिए, ऑनलाइन क्लासेस ओके ओके हैं, पेरेंट्स होंगे वहां पे, अच्छा नहीं लगेगा। ओके 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 नाउ निहारिका इज देयर? निहारिका है क्लास में? निहारिका, कनिका, कनिका, ओके। नाउ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन राजस्थान इज इन इट्स इनिशियल स्टेज इन राजस्थान ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम चंबल एंड भाखरा नंगल प्रोजेक्ट एंड कॉटन कल्टीवेशन इन इरिगेटेड प्लेन्स ऑफ गग्गर। टेक्सटाइल्स मिल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली। मशीन्स आर यूज्ड टू रिटेन आर्टिफिशियल मॉइस्चर। 4% प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इज डन हियर, मेनली सूटिंग एंड शर्टिंग क्लोथ इज प्रोड्यूस्ड हियर। नाउ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये भी राजस्थान में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी डेवलप की गई है। उसका रीजन है कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री राजस्थान में प्रमोट होने का कारण है कि जो भाखरा नंगल और चंबल जो प्रोजेक्ट्स है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाती है। दूसरा जो है कॉटन कल्टीवेशन जो होता है प्लेन्स ऑफ घग्गर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर और पाली, इन रीजन्स में जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया है। इवन जो भीलवाड़ा सिटी है इसको जो है राजस्थान का टेक्सटाइल कैपिटल भी कहा जाता है। तो भीलवाड़ा इज टर्म्ड एज द टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ राजस्थान। इसके अलावा जो है मशीन्स आर यूज टू रिटेन आर्टिफिशियल मॉइस्चर। आर्टिफिशियल मॉइस्चर क्या होता है कि कॉटन के अंदर में एक मॉइस्चर इफेक्ट होता है, उसको यूज करके ड्राइनेस लाया जाता है, जो है थ्रेडिंग के लिए जो है बहुत इजी हो जाता है उसके बाद में। तो दैट इज द रीजन मेनली शूटिंग एंड शर्टिंग क्लोथ इज प्रोड्यूस्ड हियर। शूटिंग एंड शर्टिंग मतलब
सिलाई के लिए जो कपड़ा होता है, नॉट रेडीमेड, रेडीमेड गारमेंट्स नहीं, टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन होता है। टेक्सटाइल्स मतलब कपड़ा, उसको आप अपने हिसाब से सिला सकते हो। एंड रेडीमेड गारमेंट्स मतलब होता है रेडीमेड। नेक्स्ट इज योर ऑयल सीड इंडस्ट्री। राजस्थान इज एट द फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री इन ऑयल सीड प्रोडक्शन। ऑयल मिल्स ऑफ ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, अलसी एंड कैस्टर ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स आर एस्टेब्लिश्ड इन अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा एंड बूंदी। राजस्थान जो है ऑयल सीड प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट प्लेस है। वन रीजन इज दैट कि राजस्थान को मस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा तो यहाँ मस्टर्ड सीड की प्रोडक्शन होती है, तो इस वजह से जो है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सीड ऑयल्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, अलसी, कैस्टर ऑयल। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे जो है ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। इस वजह से जो है यहाँ पर जो है कई सारे एक्सट्रैक्शन यूनिट्स लगाए गए हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन, ऑयल इंडस्ट्रीज, जैसे अलवर में, जयपुर में, दौसा रीजन में, कोटा में और बूंदी में। इसके अलावा अदर इंडस्ट्रीज क्या क्या हैं? अदर इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज, शुगर मिल्स आर एस्टेब्लिश्ड इन बूंदी, चित्तौड़, भीलवाड़ा, क्वारगम मिल एट चूरू, जोधपुर एंड बाड़मेर। पेपर इंडस्ट्री है गोसुंडा, गोसुंडा जो है ये तुम्हारे चित्तौड़गढ़ के पास में है, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर एंड बांसवाड़ा। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ऑन द अदर हैंड दे गिव राइज टू सच कंडक्शन विच हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड नेचर। The region which experienced industrialization in the country also experienced urbanization rapidly, such as Delhi, Mumbai, Kolkata, Ahmedabad, Nagpur and Surat. देखो एक फैक्टर ये है कि जहां जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है उन उन जगह पे अर्बनाइजेशन भी होता है। तो रीजन ये है कि वहां फ्लूडिटी होती है, फ्लुइडिटी, लोग जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए रूरल से जो है अर्बन सेक्टर में जाते हैं। और अर्बन सेक्टर में कहाँ जाते हैं? जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होता है, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहां उनके पास में कई तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। इवन जो है टर्शियरी सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होता है। तो इस तरीके से जो है रैपिडली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर एंड सूरत रीजन, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छी है। इस वजह से यहाँ जो है पॉपुलेशन या क्राउड या अर्बनाइजेशन भी हमको ज्यादा देखने को मिलता है। द लेवल ऑफ वाटर एयर पॉल्यूशन इन दी सिटीज इज एक्सट्रीमली हाई, लेकिन एक एडवर्स इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट जो है वो नेचर पे भी पड़ रहा है। नेचर पे क्या पड़ रहा है एडवर्स इफेक्ट? कि जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो उसके लिए जो है इंडस्ट्रीज रैपिडली डिमांड्स को नीड करने के लिए या जो ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड्स को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ रहा है। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इस तरीके के कई सारे जो है पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहे हैं इसकी वजह से, जो एक एनवायरनमेंट के लिए जो है वो अलार्मिंग फैक्टर है। द लेवल ऑफ वाटर एयर पॉल्यूशन इन द सिटीज इज एक्सट्रीमली हाई अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी यमुना हैव बीन एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ लेदर, पेपर, मैन्योर, केमिकल एंड ड्रग इंडस्ट्रीज। इन द सेम वे द गोमती रिवर नियर लखनऊ हैज बीन एक्सट्रीमली पॉइजनस due to waste of paper and sugar industries. Dead fish are often seen there. ये जो water pollution हो रहा है, जो industrial waste का water को बाहर out में dispose कर दिया जाता है, sea regions में dispose कर दिया जाता है, इनकी वजह से न केवल human beings पे effect पड़ रहा है बल्कि जो aquatic life है, aquatic life पे भी जो है इसका असर पड़ रहा है।
बहुत सारे जो है फिश मर जाते हैं इसकी वजह से, और भी बहुत एक्वेटिक क्रिएचर्स। अभी लास्ट ईयर तुम्हारे ये जल महल जो है अपना जयपुर में, जल महल में जो है बहुत सारे फिश जो है वो वाटर पॉल्यूशन की वजह से मर गए थे, और बिल्कुल किनारे में आके उनकी जो है डेड फिशेस जो है वो तैर रही थी में तुम्हारे वाटर। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था और जल महल का जो रीजन है उसकी साफ सफाई की गई थी, उस वाटर को भी क्लीन किया गया था ताकि जो है वहां पर जो एक्वाटिक लाइफ है उन एक्वाटिक लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ देर आर पॉइजनस एंड हार्मफुल एलिमेंट्स इन एयर लाइक कार्बन, लेदर, लेड, सल्फर, विच रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड लीव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन सॉइल, वाटर एंड ह्यूमन बॉडी। इस तरीके से इनका जो एक पॉइजनस इफेक्ट होता है इन हार्मफुल एलिमेंट्स का, जो कई सारे गैसेस के साथ मिलकर जो है वाटर को पॉइजनस कर देते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट रीचेस द ओशनिक पार्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू एयर एंड वाटर एंड इन्फ्लुएंसेस द लोकल बायोलॉजिकल सिस्टम विच अफेक्ट्स द फूड चेन एंड डिस्ट्रॉय सी एनिमल्स एंड वेजिटेशन। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ओशनिक शिप्स, एक्सीडेंट्स ऑफ ऑयल टैंकर्स इन द सी, लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम द सी, रिफाइनिंग नियर सी शोर्स एंड न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सपेरिमेंट्स और पॉल्यूटिंग ओशनिक वाटर। तो ओशनिक वाटर के पॉल्यूट होने के बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण है। जैसे शिप से डिस्पोजल वेस्ट जो आता है वो सी में गिरा दिया जाता है कई बार, या लीकेज हो जाता है कई बार, जो ऑयल के टैंक्स है वो लीक कर जाते हैं सी रूट से आते टाइम। और भी जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, इसके वजह से भी जो है पॉल्यूशन हो रहा है ओशनिक वाटर का। वन आउट ऑफ 8 बर्ड्स इन इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर हम भारत की बात करें, 8 में से जो एक बर्ड है वो खत्म होने की कगार में आ गया, मतलब स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एक फैक्टर है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक फैक्टर है, वाइल्ड लाइफ हैज बीन डिप्राइड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। इस तरीके से एनिमल्स, बर्ड्स, इनकी संख्या जो है कम होते जा रही है, और ये एक अलार्मिंग फैक्टर है क्योंकि जितना ह्यूमन बींग्स का इस अर्थ पे होना जरूरी है उतना एनिमल्स और बर्ड्स का भी होना जरूरी है। इट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द अर्थ। इससे जो है अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन्ड रहता है। इन द सेम वे ड्यू टू एसिड रेन एयर पॉल्यूशन, डर्टी वाटर, पॉइजनस एलिमेंट्स इन द सॉइल हैव डिस्ट्रॉयड इट्स फर्टिलिटी। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, यूरिया, इनका जो यूज हो रहा है इसके वजह से जो है सॉइल पॉल्यूट हो रहा है। सॉइल की जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी है या नेचुरल ग्रोइंग जो फैक्टर है वो खत्म हो जाता है। हमने कई अक्सर न्यूज़पेपर में भी आता है, न्यूज चैनल्स में भी हमने देखा है कि किस तरीके से जो है एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, यूरिया, इनका जो है हार्मिंग कैसे है कि आजकल तुम देखोगे कि सब्जियां जो होती है सब्जियों में एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स होने की वजह से जो उनका एक नेचुरल कलर, नेचुरल टेस्ट या नेचुरल एसेंस हो रहा है होता है वो खत्म होता चले जा रहा है। तो जो एक हरी सब्जियों की जो एक प्राकृतिक पौष्टिकता होती थी या उनकी जो एक प्राकृतिक कलर होता था या उनके जो प्राकृतिक न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स होते थे, ये सारी चीजें खत्म होती जा रही है ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। वाटर रिसोर्सेज ऑफ पेरिनियल रिवर्स लाइक गंगोत्री, यमुनोत्री आर गोइंग टू ड्राई ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, टेम्परेचर में भी जो है अनइवननेस है, तो इसकी वजह से जो है राइजिंग टेम्परेचर की वजह से भी जो है जो वाटर रिसोर्सेस है गंगोत्री एंड यमुनोत्री ये ड्राई होते चले जा रहे हैं।
If this industrialization continues, the day is not far when mankind will be suffering from various diseases and would face calamities such as famines, droughts, and floods, and nothing would remain for consumption for future generation. अगर हम इन चीजों को लेकर कॉन्शियस नहीं हुए तो आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज का हमको सामना करना पड़ेगा. आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी, ड्रॉट्स की, सूखे की, अकाल की, फ्लड्स की. ये सारी चीजों को जो है हम खुद से इनवाइट कर रहे हैं. वी आर इन्वाइटिंग इट बाय आर सेल्फ. हम खुद जो है इन चीजों को इन्वाइट कर रहे हैं. तो इसीलिए हमको नेचर के प्रति कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है कि हम नेचर के प्रति अगर कॉन्शियस नहीं रहे तो आने वाले टाइम में हम नेचर को प्रिजर्व करके अपने लिए नहीं रख पाएंगे. हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स को देख भी नहीं पाएगी. इसीलिए सो इट इज नेसेसरी फॉर अस टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ सेंसिबल एंड मॉडरेट यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इसीलिए हम सेंसिबल और मॉडर्न यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें. इसीलिए जो अभी वर्ल्ड वाइड जो है इश्यू चल रहा है, सारे देश जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर दे रहे हैं. नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द नेचर. यानी हर कंट्री फोकस ये कर रही है कि हम डेवलपमेंट तो करेंगे लेकिन नेचर को बिना हार्म करिए. इसके तहत मैं तुमको बता दूं कि 2002 में रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुआ था सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें 100 से भी ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था. 100 कंट्रीज के हेड मेंबर्स जो थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर जो है एक ट्रीटी साइन की थी, जिनमें इन्होंने एक प्रण लिया था कि हम हर कोई अपने कंट्री में डेवलपमेंट करेंगे, बट द कंडीशन विल बी दैट वी विल फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर. चैप्टर क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट, एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है. क्लियर है यहां तक? हाँ जी, ओके. अच्छा, जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स तुम फॉलो अप कर रहे हो? क्वेश्चन आंसर्स फॉलो अप कर रहे हो? प्रिपरेशन कर रहे हो ना? क्योंकि देखो एग्जाम्स तुम्हारा शेड्यूल टाइम में ही होगा और तुम्हारा बोर्ड है, तुमको ऑफलाइन ही एग्जाम रिटर्न में देना पड़ेगा. तुम सोचा अगर ऑनलाइन एग्जाम्स हो जाए तो अभी तक तो ऐसे पॉसिबिलिटीज नहीं है. सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में ईच एंड एवरी चैप्टर से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा, वो तुमको एडिशनल प्रिपरेशन करना है. वो एडिशनल प्रिपरेशंस करना है तुमको. बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस एंड मैटर्स दूंगा जो तुमको एडिशनल प्रिपरेशंस करना है. ठीक है? समझ गई वंशिका? भाई आप वंशिका बोलेंगे तेरे से मजाक नहीं करूं मैं. और यहां तक सारे प्रिपरेशंस करोगे एंड आई एम अफ्रेड एक्चुअली द कंटिन्यूअस में बिकॉज ऑफ इन कंटिन्यूटी ऑफ टू क्लासेस माई बैटरी इज गोइंग टू डिस. आई थिंक द क्लास इज गोइंग टू ऑफ बाय 5 मिनट्स इन प्रायर. नेवर मैटर, डजेंट मैटर. एंड बुक वाले क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करने हैं? नहीं,